हेलो एवरीवन, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स स्टूडिंग टुवर्ड्स बोर्ड। नाउ वी एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड से किस टाइप से आप किसी क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जी आपको यहाँ स्टडी करना है। इसमें जो मेन आपका फिनोमेना है, जो ध्यान रखना है आपको, डिपेंडेंस, मतलब कोई क्वांटिटी किस क्वांटिटी पर डिपेंड है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपके लिए एग्जांपल्स आपके लिए हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एसएचएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बताया था कि चेक करना है ट्रू या फॉल्स। कभी कभी ये दोनों फॉर्मूले एक साथ आ जाते हैं कि फॉर्मूला चेक कीजिए ट्रू या फॉल्स है, और यदि आपका फॉल्स है तो आप जो है इसके लिए ट्रू फॉर्मूला फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप उस चीज़ का यहाँ ध्यान रखें कैसे आप करेक्ट फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ देखा कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड है पेंडुलम की लेंथ पर और स्मॉल जी पर। स्मॉल जी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अप्लाई डायमेंशन बोथ द साइड्स, क्योंकि किसी इक्वेशन में डायमेंशन तो इक्वल होती है दोनों साइड की, तभी तो इक्वेशन बन सकती है। टाइम पीरियड की डायमेंशन आपने टी लिख दी, टाइम की डायमेंशन टी होती है, टी अकेला लिख दिया। यहाँ मास की डायमेंशन है एम की पावर ए, लेंथ के लिए एल की पावर बी, और जी के लिए एल टी माइनस टू सी। यहाँ देखिए एम की पावर ए, एल की पावर बी इसमें है और सी इसमें, तो बी प्लस सी हो जाएगा, और टी की पावर एम माइनस के टू सी है। देखिए, और यहाँ पर एम तो है नहीं, तो एम जीरो लिख दिया, एल ने एल जीरो लिख दिया, टी अकेला है तो टी अकेला वन लिखा है। इन दोनों बोथ साइड कंपेयर करें आप, ये फर्स्ट मान लीजिए कंपेयर करें तो ए इक्वल क्या हुआ, वन जीरो, ए की वैल्यू क्या निकली है जीरो। अब बी प्लस सी इक्वल टू है यहाँ जीरो, बी प्लस सी इक्वल जीरो, तो यहाँ पर आप देखें साथ में माइनस टू सी इक्वल टू, यहाँ प्लस का वन सी इक्वल निकला माइनस का वन बाई टू, सी की वैल्यू आप इसमें लिख दी तो बी माइनस का वन बाई टू इक्वल रहा जीरो, तो बी की वैल्यू रही प्लस का वन बाई टू। ए बी सी की वैल्यू फर्स्ट टर्म पुट अप कर दीजिए, अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ए बी सी इंटू इक्वेशन फर्स्ट, तो टी प्रोपोर्शनल एम की पावर जीरो, एल की पावर बी की वन बाई टू, जी की पावर माइनस का वन बाई टू। किसी नंबर्स की या क्वांटिटी की ये पावर जीरो तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, ये तो वन हो गया, और यहाँ बचा केवल एल की पावर वन बाई टू, जी माइनस का नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा, जी की पावर प्लस का वन बाई टू। प्रोपोर्शनल वन बाई टू, वन बाई टू दोनों पावर, तो उसमें अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट में दोनों एल अपॉन जी कर दीजिए। यदि आपको कांस्टेंट की वैल्यू जानकारी हो टी प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिख दीजिए यहाँ पे के रूट एल अपॉन जी, के की वैल्यू यहाँ पे टू पाई, तो यहाँ बच जाएगा टी इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन जी। इस टाइप से स्टूडेंट्स आप बना लेंगे टी इक्वल टू पाई रूट एल अपॉन जी। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।